बाकनेर गांव में विद्युत पोल लगाने गए एसडीओ जेई को महिलाओं ने किया घेराव। नायब तहसीलदार लेखपाल और अलावा सदर कोतवाल पहुंचे मौके पर। समझाने बुझाने के बावजूद भी महिलाएं अड़ी रही अपनी जिद पर। शहर के समीपवर्ती गांव बाकनेर में आज मंगलवार को विद्युत पोल लगाने गई विद्युत टीम और को महिलाओं ने घेराव कर लिया। सूचना पर पहुंची नायब तहसीलदार और सदर कोतवाल ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रही। बाकनेर गाँव में पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। पानी की टंकी का ट्यूबवेल संचालित करने के लिए एसटी लाइन की जरूरत थी, लेकिन एसटी लाइन का पोल ग्रामीण महिलाएं द्वारा नहीं लगाने दिया जा रहा, जिससे टंकी का कार्य अधर पर लटका हुआ था। आज मंगलवार को एसडीओ और जेई टीम साथ विद्युत पोल खड़ा करने गए। गांव में पहुंचे ही थे तभी महिलाओं ने विद्युत एसडीओ रवीश कन्नौजिया जेई सारस्वत को घेर लिया। अभद्रता पर उतारू हो गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार प्रीति चौधरी और कोतवाली में कोतवाल ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की मानने को तैयार नहीं। एसडीओ ने बताया कि पानी की टंकी संचालित करने के लिए एक विद्युत पोल की आवश्यकता है, लेकिन महिलाएं पोल को खड़ा नहीं होने दे रही। पोल पर केबल डाली जाएगी, नंगे तार नहीं। एसटीओ साहब, जो बागनेर गांव पड़ता है, बागनेर गांव में जो पब्लिक ने यहां विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर और जो पुलिस को और तहसील प्रशासन को आना पड़ेगा? सर, यहां पे जो पानी की टंकी पेयजल योजना की बनी हुई है,